इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे पता करें अगला पर्सन, यानी कि जिस पर्सन से हम फोन कॉल पर बात कर रहे हैं वह पर्सन मेरे कॉल को रिकॉर्ड भी कर रहा है या फिर नहीं। क्योंकि देखिए, हम लोग फोन कॉल पर तरह तरह की बातें किया करते हैं, कभी कभी पर्सनल बातचीत भी किया करते हैं। अब ऐसे में अगर अगला पर्सन या फिर कोई थर्ड पर्सन हमारे कॉल को रिकॉर्ड कर ले तो फ्यूचर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, हो सकता है मेरे साथ ब्लैकमेल भी किया जाए। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको तीन चार ऐसे सिम्टम्स बताऊंगा, ऐसे लक्षण बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप ये पता कर सकते हैं आपका फोन कॉल कोई रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा। सो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारे फोन कॉल को दो तरीकों से रिकॉर्ड किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने देखा होगा, कई बार आप लोग यूज भी किए होंगे, जब भी आप किसी को कॉल करते हैं तो कॉलिंग के दौरान आपके एंड्रॉयड फोन में ही एक ऑप्शन आ जाता है। साइड में आप स्क्रीनशॉट देखिए, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है रिकॉर्ड करने का, और आप लोग या फिर कोई भी पर्सन रिकॉर्ड पर क्लिक करके रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है थर्ड पार्टी एपीके। जी हाँ, आपके मोबाइल फोन में कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर दिया जाता है या फिर खुद से आप किसी का कॉल रिकॉर्ड करने के लिए थर्ड पार्टी ऐप का इस्तेमाल करते हैं। ओके, वैसे गूगल और एप्पल का ये कहना है कि भाई ये एक इलीगल चीज है, किसी की प्राइवेसी को आप लीक नहीं कर सकते हैं, आपको प्ले स्टोर पर कोई भी एप्लीकेशन रिकॉर्डिंग वाला देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद भी आपको कुछ ऐसे एप्लीकेशन मिल जाते हैं गूगल प्ले स्टोर पर जिसको आप लोग या फिर कोई भी यूजर्स इंस्टॉल करके आपकी कॉल को चुपके से रिकॉर्ड कर लेता है। चलो यहां तक तो ठीक है, लेकिन कैसे पता करेंगे कि हमारा कॉल रिकॉर्ड भी हो रहा है या नहीं? तो वन बाय वन करके सिम्टम्स को सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहला जो सिम्टम्स साइन देखने को मिलेगा वो ये दिखेगा, जब भी आपका कॉल सामने वाला पर्सन रिकॉर्ड कर रहा है तो वैसे में आपको एक आवाज सुनाई देगी, एक साउंड सुनाई देगी, योर कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड, इस तरीके से आपको आवाज सुनाई देगी फोन कॉल पर। तो अगर इस तरीके से आपको कॉलिंग के दौरान आवाज आए योर कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड, तो आप समझ जाना आपका फोन कॉल रिकॉर्ड किया जा रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यही सिम्टम्स है, और ये जो सिम्टम्स है साइन है हर एक यूजर्स को देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड साइन की। देखिए, दूसरा जो सिम्टम्स है वो ये है कि मान लीजिए आपका फोन कॉल रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है, बट आपको ये ना सुनाई दे योर कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड, इसकी जगह पर आपको एक दूसरा साउंड सुनाई दे जो कि बीप 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 की आवाज कुछ इस तरीके से आपको सुनाई दे, मतलब बीप करके एक सेकेंड का वेट करे फिर से बीप की तरह आवाज आए, तो आप समझ जाना आपका कॉल रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, आप इसको केयरफुली सुनिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको आवाज ध्वनि उधर से आ रही है। इसके अलावा तीसरा जो ऑप्शन है, काफी सारे यूजर्स इसका इस्तेमाल करते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है कि जब कोई भी एप्लीकेशन वर्क नहीं करती है आपके फोन में या फिर किसी भी थर्ड पर्सन के फोन में कोई भी रिकॉर्डिंग वाला ऐप काम नहीं करता है, तो ऐसे में अगला पर्सन क्या करता है, आपके फोन कॉल को स्पीकर पर करके बात करता है, यानी स्पीकर ऑन करके बात करता है और किसी तीसरे फोन से आपके कॉल को रिकॉर्ड कर लेता है। तो यहां पर एक चीज ध्यान देना कि जब आपका फोन कॉल स्पीकर पर ऑन करके बात किया जाए तो आपको कुछ अलग सी आवाज आएगी, या फिर यूं कहेगी आपका जो फोन कॉल की जो आवाज है जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो कभी कभी कट सी जाएगी, आवाज सही तरीके से नहीं आएगी आप तक। तो ऐसे में भी आप एक संकेत है, मतलब कि ये भी एक इशारा करता है कि आपका फोन कॉल रिकॉर्ड हो रहा है। तो स्पीकर ऑन होने के बाद कभी कभी फोन कॉल में बात करने के दौरान आवाज आपकी कट जाती है, आपकी आवाज अगले पर्सन तक पहुंच नहीं पाती या फिर उनकी आवाज आप तक नहीं पहुंच पाती है, तो ये भी एक साइन हो सकता है। इसके अलावा है चौथा सिम्टम्स जो कि लास्ट सिम्टम्स है, और इसको काफी सारे लोग नजरअंदाज करते हैं, भूल कर देते हैं, यानी कि इसको इग्नोर करते हैं। ठीक है, आपको प्ले स्टोर पर काफी सारे ऐसे ऐप मिल जाएंगे जिसके जरिए आपके कॉल को रिकॉर्ड किया जा सकता है, या फिर आपके फोन में कई सारे ऐसे एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिए जाएंगे या स्पाइवेयर वायरस वगैरह इंस्टॉल कर दिए जाएंगे जिसका काम ही यही होगा कि आप जो भी कॉल पर किसी से भी बात करो उस कॉल को रिकॉर्ड कर लेना और अपने मालिक के सर्वर पर यानी कि जो हैकर्स है उनके सर्वर पर ट्रांसफर कर देना, या फिर हो सकता है आप कॉलिंग के दौरान किसी से बात कर रहे हैं तो कोई थर्ड पर्सन जिससे आप बात कर रहे हैं वही किसी थर्ड पार्टी एपीके के थ्रू आपके कॉल को रिकॉर्ड कर ले, ऐसा भी
हो सकता है। तो यहाँ पर आपको एक सिम्टम्स देखने को मिलेगा जो आपको ध्यान देना बेहद जरूरी है। आपने पहले जमाने में यानी पुराने जमाने में आपने रेडियो का नाम जरूर सुना होगा, और अभी के समय में भी काफी सारे ऐसे पर्सन हैं जो रेडियो का इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप रेडियो स्टार्ट करते हैं यानी ऑन करते हैं और वहां पर फ्रीक्वेंसी जब आप पकड़ाते हैं, यानी कि कोई ऐसा जिसको आप आम भाषा में स्टेशन वगैरह ऐसा कहते हैं कि मैं यहाँ पर इस चैनल को कैचअप कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं न्यूज सुनूंगा ऐसे, तो वहां पर होता क्या है, जब आप रेडियो फ्रीक्वेंसी को कैचअप करते हैं चक्री घुमा घुमा करके, तो वहां पर फ्रीक्वेंसी की बीप बीप के अलावे कोई अलग तरीके से साउंड सुनाई देती है जो फ्रीक्वेंसी की साउंड होती है। तो अगर आपके फोन कॉल के दौरान उस फ्रीक्वेंसी टाइप का साउंड सुनाई दे तो ये भी एक सिम्टम्स है जो कि आपका कॉल रिकॉर्ड हो रहा है। तो भाई अगर आपको इन 3-4 सिम्टम्स में से कोई भी एक लक्षण देखने को मिल रहा है कॉलिंग के दौरान, तो आप समझ जाना आपका कॉल रिकॉर्ड हो रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सिम्टम्स की, जो कि लास्ट सिम्टम्स है, साइन है, आपको ध्यान देना बेहद जरूरी है। ठीक है, आपको 100% पता चल जाएगा कि आपका कॉल रिकॉर्ड हो रहा है। आप साइड में स्क्रीनशॉट देखिए, यहां पर मैंने कॉलिंग लगा रखा है यानी कि कॉल कर रखा है और कॉल रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो रखी है, आप यहां पर नोटिस कीजिए। लेकिन एक आपको साइन दिख रहा होगा, जो आपको दिख रहा होगा ग्रीन कलर का डॉट। जी हां, अगर आपके फोन में ग्रीन कलर का डॉट दिखना स्टार्ट हो जाए कॉलिंग के दौरान, तो आप समझ जाना आपके फोन कॉल को थर्ड पर्सन या फिर जिससे आप बात कर रहे हैं वह पर्सन रिकॉर्ड कर रहा है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर लास्ट में जाते जाते ये कहूंगा कि कॉल रिकॉर्ड करना और कॉल टैप करना दोनों अलग बात होती है। ठीक है, टैपिंग अलग चीज होती है, कॉल रिकॉर्डिंग अलग चीज होती है। अब टैपिंग क्या होती है, इससे आपको क्या नुकसान हो सकता है, क्या फायदा हो सकता है, अलग से मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही समझ लीजिए कि आपके कॉल को अगर कोई रिकॉर्ड करता है तो ये सारे सिम्टम्स देखने को मिल जाएंगे। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इसी तरह का कंटेंट सबसे पहले आप तक पहुंच सके।